लड़ पड़े बकरे बकरे लड़ पड़े बकरे लड़ पड़े बकरा तो होने लगा था हमारा कुन्नू। तो मैं सोच रहा था कि ये चैनल है ये बंद कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल, ठीक ठाक, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हमारे जो चुन्नू और मुन्नू है वो तो घर आ गए थे, लेकिन हमारा जो पुन्नू है वो मिला नहीं है। तो मंडी में हम गए थे, तो कल रश बहुत ज्यादा था मंडी पे, तो वहाँ पे हमें जो हमारा मुन्नू मना है वो मिला नहीं है। एक दो पुन्नू मिले थे तो वो हमने छोड़ दिए, सिर्फ इसके लिए कि हमें लग रहा था कि उसका जो रेट है ना उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने वो छोड़ दिए थे। तो आज इंशाल्लाह दोबारा जो है ना मिशन पुन्नू की तलाश वो दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो आज ढूंढ के इंशाल्लाह लाजमी इंशाल्लाह लेके आएंगे। चुन्नू और मुन्नू को मैंने यहाँ से खोल के वहाँ पे बांध दिया और यहाँ पे जगह की जो है सफाई कर दी। वैसे भी यहाँ पे धूप आ गई थी तो उन्हें छांव में खड़ा कर दिया, तो अभी इनका चारा लाने वाला रहता है तो वो लेके आते हैं। पहले मैं जो है नाश्ता कर लूँ, इन्हें तो मैंने डाल दिया था सुबह, तो अभी मैं नाश्ता कर लूँ फिर इनके लिए चारा लेके। ये मैं अंदर आके बैठ गया और इन्होंने ना दरवाजे से अंदर मुँह निकाल लिया। हाँ जी, की चाहिए है, क्या चाहिए? ये देखने अब दूसरा आ गया। नाश्ते में मैं पीता हूँ ये ठंडी चाय। लड़ पड़े बकरे बकरे लड़ पड़े बकरे लड़ पड़े। ओए 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 ओए, रुको, हट जाओ, लड़ना नहीं लड़ना नहीं। किधर घूम गया यार, वापस जा, इधर आ, तू नीचे से आ जा, ऊपर से आके किधर से गया यार। ठीक है, इन्होंने ना रस्सियाँ एक दूसरे की साल ली थी, तो अभी ठीक है। तो अपनी जगह पे रहा कर, तो अपनी जगह पे रहा कर, ठीक है ना। तो अभी चलते चारा लेने के लिए। तो आज जो है हफस जो है बहुत ज्यादा हो गया, तो पता नहीं मंडी में हम जो अपना पुन्नू है वो कैसे ढूंढेंगे। बहुत ज्यादा बच हो गया, अभी मैंने कपड़े चेंज किए सुबह से, तीन मरतबा ना इस तरह गीले हो गए जैसे मैं पानी से नहाया हूँ। अभी मैंने बाहर जाना, पीछे दिन उन्होंने बोलने शुरू हो जाना, तो अभी चलते हैं चारा लेने के लिए। चले जी, चारा आ गया, उठा लेते हैं यार। टोटल 30 किलो है। The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wait. Guys, मेरी तो बस हो गई है, उन्हें चारा खिला खिला के। तो आप मेरे कपड़ों का हालत जो है वो देख सकते हैं, मैंने अभी चेंज किए थे, तो अभी जो है इतनी ज्यादा हब बचाना है का पसीना आगे तो ये सारे गिले हो गए। तो अभी इन चीजों का भी ख्याल करना है, तो इन्हें भी थोड़ा सा बाजरा वगैरह डाल देते हैं, खाना खा लेते हैं अभी दोपहर का। तो खाने में जी उबले चावल और साथ दाल। अभी मैं यहाँ बैठा अपना व्लॉग एडिट कर रहा था और बाहर देखा तो बाल्टी जो है वो आ गए अच्छी तरह से, तो कहीं भी कभी भी है ना जो बारिश हो सकती है। तो अभी हम जाने लगे हैं मंडी, तो अपना जो पुन्नू रहता बोले इससे पहले की बारिश हो और कहीं हमें पुन्नू मिले ही ना, तो इंशाल्लाह अभी निकलते हैं। हवा भी चल रही है, मौसम अच्छा हो गया, तो अभी निकलते हैं और अपना पुन्नू जो है वो लेके आते हैं। तो गाइस मंडी पहुंच चुके हैं, तो अभी यहाँ पे रश देखें आप, काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है अभी, तो रात को और ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी फिर भी थोड़ा, तो अभी देखते हैं कि हमारा जो पुन्नू है वो यहाँ से मिलता कि नहीं मिलता। ढाई घंटे की मेहनत के बाद जो है हमें हमारा पुन्नू जो है वो मिल चुका है, तो अभी हम इसे लेके घर जाएंगे। तो बाइक पे लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं बाइक पे जाता है कि नहीं जाता, नहीं तो फिर रक्षा करवाएंगे तो फिर ले जाएंगे। माशाल्लाह हमारा पुन्नू जो है ना घर पहुंच चुका है, तो घर पहुंच गए। तो अभी इसे रस्सी नहीं इसकी है, तो इसकी रस्सी भी लेते हैं, वो भी इसे बांधते हैं अभी फिलहाल। तो ये जी हमारा पुन्नू, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बकरा दौड़ने लगा था हमारा पुन्नू, to my face while he's looking back, mirror breaks after math, when I hate I attack। तो ये हमारा पुन्नू जो है इधर बांध दिया मैंने, और चुन्नू मुन्नू ये खड़े हैं और खा रहे हैं चारा, इसे अभी डाला नहीं है। तो अभी अभी आया ना, तो माशाल्लाह लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा खा पी के आया, तो अभी इसे थोड़ी देर बाद डालेंगे। तो ये तो माशाल्लाह अपना खा रहे हैं। मैंने भी अपनी शर्ट चेंज कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा पसीने वाले हो गए, तो अभी बैठ के जो है व्लॉग एडिट करते हैं। अभी यहाँ पे ना मेरे ख्याल में जो चुन्नू और जो मुन्नू है तो दोनों सो रहे हैं मेरे ख्याल से, तो अभी बड़े आराम से बैठे हुए हैं, तो मैं बड़ी खामोशी से उतरूँगा ताकि ये जा ना जाए। वैसे जो हमारा पुन्नू है ना वो सुकून से बैठा हुआ है, चगाली कर रहा है अपनी, माशाल्लाह। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ईद वाले दिन कौन सा सूट पहनूं, तो ये दो सूट है मेरे पास। तो ये तो मैंने छोटी जो है ईद उल फितर तब पहना था, तो ये और एक ये वाला सूट है जो कि मैंने पिछली मरतबा बड़ी ईद को पहना था, तो इस बार फिर यही मेरा पहने का इरादा है। और या फिर ये पहनूंगा या ये पहनूंगा, मैं सोच रहा हूँ दोनों में से,
इस बार जो है मैंने कोई नया सूट है वो सिलवाया नहीं था, दिल ही नहीं करता मैं सलवार कमीज जो है वो कम ही पहनता हूँ, तो इसलिए मैंने सिलवाई नहीं सलवार कमीज। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये पहनूँ कि ये पहनूँ ये पहनूँ कि ये पहनूँ, तो जो भी होगा तो उनमें से कोई भी पहन लूंगा। अभी मेरा यही सूट पहनने का प्रोग्राम बन चुका है, तो अभी ना इस्त्री कर लेते हैं इसे। तो गाइस एक बात है जो मैंने आपसे करनी है, तो वो बात यह है कि मैंने तकरीबन पिछले साल इन्हीं दिनों में जो जुलाई के दिन है ना, इन्हीं दिनों में मैंने ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट की थी, जो कि मैंने अपना पहला ब्लॉग जो है वो डाला था। तो आज इंशाल्लाह ताला तकरीबन मुझे साल हो गया। मैंने बात यही करनी थी कि मेरे चैनल पे साल हो चुका है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है और कोई भी इतनी खास अप्रिशिएशन नहीं है कि लोगों को मेरे ब्लॉग बहुत पसंद आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये चैनल है ये बंद कर दिया जाए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ एक दो दिन तक ये डिसीजन भी मैं ले लूंगा कि चैनल बंद करना है कि नहीं करना। तो अभी मैं सोच रहा हूँ क्योंकि फायदा कोई नहीं, तकरीबन एक साल हो गया और तकरीबन 170 से ऊपर जो वीडियोस हैं वो मैंने डाल चुका हूँ और कोई भी जो है रिस्पॉन्स नहीं आया, तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होती है क्योंकि तो ज्यादा टूर जो है वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतनी पॉकेट मनी नहीं होती कि मैं टूर्स करूं और आपको घुमाऊं फिराऊं, और जो एक्टिविटीज मेरी जिंदगी में हो रही हैं तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वो एक्टिविटीज पसंद आती हैं, मेरे ख्याल में नहीं आती क्योंकि जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना चैनल में तो वो काफी ज्यादा जो है मायूसकुन है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये व्लॉगिंग जो है मैं छोड़ दूंगा। तो अभी डिसीजन लिया नहीं है मैंने, एक दो दिन तक डिसीजन लूंगा और जो भी डिसीजन होगा फिर आपके सामने होगा। अगर व्लॉग आते रहे तो फिर इसका मतलब है कि डिसीजन ये है कि मैं इसे जारी रखूंगा, अगर व्लॉग आना बंद हो गए तो फिर मतलब यही है कि मैं जो है ये चैनल छोड़ दूंगा। हाँ ये हो सकता है कि मैं मुश्किल ना छोड़ूं, दो चार महीने छह महीने साल के लिए छोड़ दूं, दोबारा स्टार्ट करूं अच्छे तरीके से स्टार्ट करूं, और हो सकता है जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब मैं ऐसी ब्लॉगिंग करूं जो आप लोगों को पसंद आए। तो अभी यही बात मैंने आपसे करनी थी, इतनी गर्मी में खड़ा होकर बात कर रहा हूं, पंखा मैंने बंद किया हुआ, तो यही बात है। और इस मैसेज के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।